एक बंदे ने कहा कि कुरबानी दे जानवर विच क्या अकीके दा गोश्त रख सकते हो, अकीके दा हिस्सा? यह भी मसला समझो। मैं तुहानू कहा सी इन्हां मसलियां दा सानू इलम नहीं, जिन्हां दी मैं रिसर्च की, फुकाह दी किताबां पढ़ियां, हदीस दी किताबां तफसीर पढ़ के तुहाडे सामने लैके आया कि कुरबानी दे जानवर विच अकीके दा हिस्सा, मसलन कोई अपने बेटे का हकीका करना चाहता, अपनी बेटी का हकीका करना चाहता, क्या वह कुरबानी के जानवर में जो हिस्सा रख सकता? मसला समझो, कुरबानी के जानवर में हकीके का, अकीके का हिस्सा तुसी रख सकते हो? हुण तवज्जो नाल गल सुननी, कुरबानी के जानवर में अकीके का हिस्सा तुसी रख सकते हो, लेकिन मसला वो ही है कि अजाफी हिस्सा हो फिर ऐ नहीं भी एक बकरा वे तो आख्या ठीक है मेरी भी कुरबानी है तो मेरे पुत्र का भी हकीका वेची है तो मेरी बेटी का भी हकीका, एक ही जानवर वेच, एक ही बकरे वेच, इस तरह कुरबानी नहीं होएगी। अगर वड्डा जानवर है उहदे वेच ज्यादा हिस्से ने, एक बंदे नूं अल्लाह ने दौलत दी ये वड्डा जानवर उन्हें लै लिया माल दिता है वह हिस्से उहदे कोल अजाफी ने तो उन्होंने हिस्सों में हकीका कर सकता। एक मसले नूं समझो, कुरबानी भी सदका वे तो हकीका भी सदका वे, समझ आ रही है मसले की? कुरबानी भी सदका वे, अल्लाह के नाँ से सदका ही दिता जाता है, गोश्त तकसीम करना है भी अल्लाह के नाँ से सदका है, कुरबानी का गोश्त भी सदका है, अकीके का गोश्त भी सदका है। कुरबानी के जानवर में तुसी अकीके का हिस्सा रख सकते हो, वो तुहानू पता है बेटियां का किन्ना है तो बेटी का किन्ना है, दो हिस्से बेटे के एक हिस्सा बेटी का, जानवर के हिसाब नाल भी तो इंज ही हिस्सों के हिसाब नाल भी हिस्से उन्ने ही रखने ने जिवें शरीयत ने सानू दस्सिया। अगला मसला समाप्त करो।